रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बरकत, रहमत, फजल, करम और शुक्र के साथ आके आप सब लोग करते हैं शुरू। धूप निकली हुई है, मौसम बड़ा कूल है। आज जो चक्कर मैंने लगाना है वो लगाना है बाजार का, कुछ सामान वगैरह लेना था, घर का सौदा वगैरह लेना था, ट्यूबवेल है उसके लिए डीजल लेना है। तो अभी मैं इस वक्त जो बैठा हूँ ना वो बाइक पर बैठा हूँ, ठीक है, सामने बाइक है और अभी हमें जाना है बाज़ार। सामने आप देख रहे हैं एक सिलेंडर है और ये जो है ये डीजल वाले डब्बे हैं, इनको इनमें डीजल भरवाना है और डीजल भरवाने के बाद फिर आना है अपना ट्यूबवेल चलाना है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपनी बैठक पे, ठीक है। ये मौसम, ये सूरज यहाँ तक पहुँच चुका है और अभी मैं हो चुका हूँ रेडी जाने के लिए। तो जाते हैं वहाँ पे, कुछ सामान लेना है, सामान लेने के बाद काम करते हैं। तो ये बाइक है, इस बाइक की चाबी लगाते हैं और इसको करते हैं स्टार्ट। ये हो चुका है स्टार्ट और अभी हम चलते हैं सफ़र की तरफ। जब से मैंने व्लॉग शुरू किया है उस दिन से आज मेरा बाइक का पहला सफ़र है और आज बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे बाइक पे। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, हम बैल को ऊपर से ले जाते हैं, बैल गया तो मिलने जा रहा था, बाज़ार जा रहे हैं। बाज़ार क्या खरीदने? सौदा वगैरह लेने। और इस वक्त हमने सौदा सलफ जो था वो ले लिया हुआ है और अब हम जा रहे हैं वापस घर को। और बाज़ार में जो ना काफ़ी वक्त लग गया था, इस वजह से थोड़ा लेट हो चुका हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ घर, लेकिन घर जाने से पहले थोड़ी सी ब्रेक लगानी है, कुछ खाएं पिएंगे फिर घर जाएंगे। जहाँ से मुड़ना है इधर रोड पर मुड़ेंगे। ये हम इस वक्त उठ चुके हैं, ये मैं यहाँ पर उठ चुका हुआ और इधर हम खड़ते हैं पे हम रुक चुके हैं। ये मैंने निम्को ली थी, ये जो घर में कोई मेहमान वगैरह है, ये दाल वगैरह है, घर का सर्फ वगैरह, सालब मतलब वो साबुन वगैरह और जो कुछ भी था, ये जो सामने पड़ा शॉप पर ये प्याज वगैरह हो गए हैं। और इधर जो था ये सिलेंडर वगैरह मैंने भरवा दिया, डीजल भी भरवा लिया है। और ये मैं खजूर लेता हूँ क्योंकि खजूर जो है ना मेरी फेवरेट गज़ा है। मेरे साथ एक लड़का है, उसको हम आप खाएँगे, ये क्या नाम इसका, खजूर खाती हैं, खजूर खाने के बाद जाएँगे घर। क्यों? और अभी यहाँ से उतारनी है खजूर को, खजूर यहाँ उतारेंगे, अपने साथ वाले लड़के को दूंगा। ये उसका देखें आप, ज़बरदस्त है, बड़ी मज़े की खजूर है, रेडी वाला खड़ा था उससे ली है मैंने खजूर। और खजूर खाने के बाद ये खजूर है, ठीक है, खजूर खाने के बाद अब जाना है हमने घर, पानी लगाना है। ये सामने जो मस्जिद देख रहे हैं ये हमारे गांव की जो शुरू में मस्जिद आती है। इस गाइस खजूर देखने में भी बड़ी अच्छी है और खाने में बहुत मज़ेदार है, खजूर खानी खाई है। ये मेरे साथ जो लड़का है अपने पड़ोस का ही है, खजूर हमने खा ली थी। खजूर खाने के बाद अभी हम हैं अपने रास्ते की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त हम जो पहुंच चुके हैं वो अब गांव में इंटर होने वाले हैं। सामने मस्जिद बिल्कुल करीब आ चुकी है, अभी हम गांव में इंटर हो रहे हैं। लेकिन सामने देखें गांव है बिल्कुल सारा। इस वक्त मैं जो हूँ ना गाँव में पहुँच गया और सामने आप देखें स्टील वाले जो मीनार नज़र आए, ये जो जिस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता हूँ ये हमारे घर के जो बिल्कुल करीब है। अभी मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल पहुँच गया हूँ, बस थोड़ा सा सफ़र बाकी है घर को। तो ये अभी मुड़नी है यहाँ से, ये सामने जो है ये दरवाज़ा मस्जिद का है, ये वाला दरवाज़ा और ये मस्जिद है, एक हमने अभी जाना है आगे। ये वाला ओहो आगे से ये आ रहा है, इस पर रुकना पड़ेगा, दो मिनट रुकते हैं इसको गुजरने दें क्योंकि रास्ता बंद हो जाता है। हाँ सईद मियाँ, क्या हाल है, जा रहा है, शाबाश जाओ। हमारे मकान है और जो ये है ये गली है जो हमने दीवार निकाली थी और ये है हमारी बैठक के सामने। और ये जो है ट्यूबवेल भी चला हुआ है सामने आप देखें, क्योंकि धूप ज़बरदस्त है ट्यूबवेल भी चला हुआ है। और इस वक्त मैं पहुंच चुका हुआ हूँ घर, ठीक है, ये घर जाते हैं, सामान वगैरह देते हैं और उसके बाद फिर अपना करते हैं और काम। इस वक्त मैं आ चुका हुआ हूँ बैठक पर, ये सामने पड़ा है, बहुत प्यास लगी हुई है, पानी पीते हैं यहाँ से
क्योंकि बाज़ार गया था, वहाँ जाके नीमको भी खाई है, और नीमको के अलावा वो जो खजूर वगैरह थी वो गर्म होती है काफ़ी मिकदार में वो भी, और यहाँ बैठ के पीते हैं पानी अपना। काम जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे स्टॉप। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया हुआ होगा। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना ताकि मेरा हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।